मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डब्वाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। कुछ बीमारी की वजह से कुछ कई दिन ये एजिटेशन चला था किसान आंदोलन, उसकी वजह से, लेकिन आज गौशाला का जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा भाई चलो आज लोगों के दर्शन कराऊंगा और जो भी सहयोग कर सकता हूं उसकी कोशिश करूंगा। मैं ये समझता हूं हकीकत में तो हमारी चार माँ हैं, एक तो वो हमारी सबकी माँ जिसने हमारे को जन्म दिया, हमारी जननी, दूसरी गौ माता जिसको हम खास तौर से जो हिंदू समाज के भाई हैं जिसको अपनी माँ ही मानते हैं, और तीसरी हमारी माँ है भारत माता, चौथी माँ हमारी धरती माता है जिस पर हमारी परवरिश होती है, जिस पर हम जीवन गुजारते हैं। तो भाई आज हम जो यहाँ आए हैं, आप लोगों ने बुलाए हैं, वो हमारी गौ माता है, गौ माता के बुलावे पे हम सारे आए हैं। तो मैं तो भाई चोई रणजीत सिंह से अभी जिक्र कर रहा था, चोई साहब पूछ रहे थे कितने रुपए दे दूं, कह रहे थे कि 5 लाख बधेरे। मैंने कहा चोई साहब आपका रिश्तेदार अभी आया था मका कुछ ही दिन पहले, डॉक्टर मैं साथ था, 15 लाख दे गया था, 11 लाख की घोषणा करी। उसके बाद मैंने कहा मेरे नाम के भी थोड़े बहुत दे दो, तो कहने लगे ज्यादा तो ना बोलियो, पर 15 लाख उसने अपना आप घोषणा कर दी। तो चोई साहब तो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े मंत्री हैं, कद में भी बड़े, और राजनीतिक जीवन भी इनका बहुत पुराना हो, तो जेपी दलाल तो इनके सामने छोटा सा बच्चा है, पहली बार बने। तो मैं चाहूंगा चोई साहब ये जो गौशाला है ये डाटा देसी गौशाला नहीं है, उसमें तो 300 किले जमीन के हैं, 300 किले डाटा में, या आप कम से कम 21 लाख जरूर दे के जाओ, 21 लाख से कम ना दियो। और मुझे उम्मीद है हमारी बात सुनेंगे चोई साहब। दूसरा भाई यहाँ जो और भाई नेता आए हुए, ये सोनिया बेटी, संघर्ष करो बहुत, रोजाना लोगों के दुख सुख में जाओ। मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको शिक्षा देने के हिसाब से, 5 साल लगातार बहुत मेहनत की थी, जिस तरह हरी हलवा करे सवेरे उठा करे रात के 11-12 बजे पहुंचे करे, वो मेहनत मैंने की 5 साल। बीजेपी के वैसे तो कहने को हम तो एमएलए बने थे, 88 हारे थे, हकीकत में मैं अकेला ही बना था, क्योंकि नरेश मलिक के खिलाफ चक्रवर्ती शर्मा को दे दी, उसका कोई लेना देना उस हल्के से, इसलिए नरेश मलिक जीता था कांग्रेस की टिकट, क्योंकि एक कमजोर आदमी के पास थी, मैं जीता था खप्पी खानों के बीच, आप लोगों का आशीर्वाद से, आपका उस वक्त गांव मेरे हल्के में नहीं था, दोनों तगड़े थे मेरे से हर तरह से। और भाई अपना जो देश जो गुलाम होया इतने साल अराग्या की कोई तसल्ली नहीं है, इस जहां जात पात चलती है इस देश में, जात पात, छुआछात, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये देश के माथे पे कलंक का टीका है, ये हमारे देश में है, ताज्जुब नहीं है। और मैं जिन हालात में इलेक्शन लड़ू था, बड़ा
आप देखो कौन सी धरती में लड़ रहा था, मैं एक देखूं तो बोन आवे वो गामा की तरफ देखूं तो नारा लगाने है खोपर नु गयो के मांगे ही ढलकेगा। ओम प्रकाश चौटाला जी आए थे मेरे खिलाफ, कहने लगे यहाँ इसमें इनके बड़े भाई खेड़ी में रही बोले 14,000 आड़ा मांगे के एमएलए का उड़े। अरे राम कुमार गौतम के मुकाबले का कोई एमएलए तो लाओ, एक आदमी इस धरती पे यूं कह दो इस किसी ने एक रुपया एक अन्ना किसी ने रिश्वत का दिया हो मैंने खाया हो तो चोर हूं गुनाहगार हूं, किसी को झूठ फूट बताया हो अपनी जिंदगी में जो कर सकता हूं उसका क्या, जो नहीं कर सकता हूं नहीं कर नहीं क्या है। लोग झूठ कूट बोलते हैं, जात पात का नारा लगाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, हम तो उससे कोसों दूर है भाई, लेकिन ऐसी धरती में पैदा हो गए के करा हमारा बस कौन चलता। मैं तो टाल कर रहा था इनका पोता आया, ईमानदारी से कहता हूं पूछ लेना, जिस दिन मुझे ये कह के भी गया कि जी आपने इलेक्शन लड़ना है हल्का संभालो, उसके बाद भी मैंने कहा भाई सारे परिवार वाले को लड़ाओ किसी को लड़ाओ मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन जिन हालात में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ गया मुझे पता नहीं था, एक चक्कर था